गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। इस व्लॉग के साथ हंसी के साथ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस व्लॉग से हमारे घर के डाकुओं की पोल खुलने वाली है। और भाई आज संडे होने के साथ साथ ये दोनों मुझे ना आज देसी काम कराने ले जा रही है, तो इस व्लॉग में तो पता तो लगेगा आप लोगों क्या देसी काम होगा। जाना कहाँ है? अच्छा गाड़ी वहां नहीं जाएगी, लग जाएगी। तो भाई ये वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को इसके बारे में कमेंट जरूर करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो भाई घर का काम भी करते हैं हम, आप लोग भी इसी तरह घर का काम किया करो। तो पीछे माँ बैठी, माँ तो खुश होगी होगी, साथ में घरवाली भी खुश होगी अगर काम करोगे तो। इन्होंने ना एक प्लान बनाया दोनों ने मिलके कि आज पत्रकार की रेल बनाते हैं, पत्रकार की रेल बनाते हैं। लेकिन इन्होंने ये ध्यान नहीं लगाया कि मैं उसमें व्लॉग बना लूंगा। अब इनको डर हो रहा है कि इस व्लॉग से इनकी पोल खुल जाएगी। तो कैसे हंस रही है मम्मी भी? दरवाजा खोल के आइए। अरे दरवाजा खोलना यार, हॉर्न बजाते हैं। कोई ना है यहाँ पे, कोई कुत्ता उत्ता ना है। तो भाई इनकी आज पोल पट्टी खोलेंगे इस व्लॉग से। शुरू करते हैं आगे। आज अपने गांव में ही है हम, बादशाहपुर में, और यहाँ पे इनकी आज पोल पट्टी खोलेंगे। भाई आज बहुत मेहनत होने वाली है और मेहनत के लिए मुझे लेके आए हैं। तो जो मतलब बहुत साल पहले जो मेहनत किया करते थे हम खेतों में अपने घरों में, वो मेहनत दोबारा करने का मौका होगा क्योंकि बादशाहपुर के खेत तो रहे नहीं, अब जमींदार इतना रहा नहीं। तो भाई घर पे हमारे जो रोटियां हैं वो चूल्हे पे बनती हैं क्योंकि शुरू से देसी लोग रहे हैं हम, तो देसी लोग हैं तो भाई देसी तरीके से ही सारा हमारा रहन सहन है। तो वो खाना जो है वो हमारा चूल्हे पे बनता है और चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लकड़ियाँ लेने के लिए आज हम जा रहे हैं। दरअसल पहले तो काटनी पड़ेंगी, तो भाई जंगल में जाके वो लकड़ियाँ काटते हैं और यही हमारा व्लॉग है। और पिछले 3-4 दिनों से हमारी मम्मी और हमारी मैडम जाके लकड़ियाँ काट के ला रही थी, इन्होंने सोचा कि संडे है इस बार पत्रकार को लपेटो, तो आज देखते हैं कौन लिपटता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो भाई जंगल में चल दिए हैं, अब ये दीवार कूद फांद के जाएंगे यहाँ से और जब लकड़ियाँ काट के लाएंगे। हाथ पैर तोड़वा ले, चलो भाई चलो। कौन सा पेड़ ये? पहाड़ी इलाके में रह गया ऐसा? ये तो विद्या को से लग रहा पेड़ ना, वो ना है, वो ना है। तो भाई इस तरह की जो लकड़ियां ना, ये लकड़ियां कटेंगी, जंगल में जाके काटो, इन्हू मेहनत करवाऊंगे मारते, आज छिलेंगे हाथ पैर बढ़िया है ना। एक एक कर काटनी है भाई। चलो जी जंगल में अब चलेंगे हम। ये लकड़ियाँ काटनी है भाई, ठीक है जो दिख रही है सामने, अब इनू मेहनत करवाऊंगी मारते। पकड़ो बोतल, ये लेकर आइए कुल्हाड़ी, ठीक है। वैसे आज इन दोनों को यहाँ मार के गिर जाऊं तो किसी ने पता भी ना लगे को ये दाव रहे हो। इससे काट दे है ना। बस आते ही फोन में लगी, ये यही काम रह गया बस लेडीजों के पास, और कोई काम नहीं है। काम मत कर लियो। तो भाई ऐसे हम आए हैं सज धज के और अब काम करते हैं। ये देखो हमारी माता जी ने तो शुरू कर दिया काम। अरे तू कैसे काट रही है? हे लगवा लिए ना। देख 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 ले कैसे काट रही है। आजा खाली पड़ी क्या कर रही है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, काट भी तो रहा हूँ, सिर्फ वीडियो थोड़ी ना बनवा रहा हूँ। छांगूंगा ना आप सारे, देखिए
ये देख एक एक में कैसा काट दूं मैं, है ना। देख ऐसा लग रहा हूं मैं तार लिपट रहा हूं इसके ऊपर। गाइस कुछ बोलो तो सही आप। अच्छा गाइस, हेलो गाइस, वेरी गाइस, कुछ बोलो तो सही भाई। इसमें कांटे भी है रे, अरे कांटे आज लगेंगे, आज ही तो आपको पता चलेगा कैसे लकड़ी कटती है। हाँ ना, काम तो हमने करेंगे, हमने करा है, है ना। मैंने तो ना करा, मैं क्यों कहूँ। हाँ तो हमने तो करा है, मैंने तो पहली बार करा है, तो मैं क्या अपना हाथ तो छिल लूंगी। इन सासू बहुओं की लड़ाई होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इनके बीच में आज एक नया कारीगर आ गया है और कारीगर के हाथ में दाव और ये सारी जांगड़नी है। तो भाई ये तो सब दिखाता रहूंगा मैं आगे, अब काट मत मारे, फोड़ रही है मैंने। लेकिन अब ये सारा यहाँ का कितना हम काम करते हैं ना, वो सारा दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा बहुत से लोग ना भाई हमें फोन करते हैं, कहेंगे कि जी संडे को हमारा प्रोटेस्ट है, संडे को हमें खबर करानी है, ये कोई इशू है। तो उसका रीज़न ये है कि संडे को हम किस लिए नहीं कर सकते भाई, संडे को अपने घर परिवार को भी टाइम देना ज़रूरी है, हमारे पास एक ही दिन होता है नॉर्मली। तो हम भी ये सोचते हैं कि जिस दिन सब लोगों की छुट्टी है उस दिन हम भी छुट्टी बनाएं, लेकिन भाई छुट्टी हमारी ऐसे बनती है। अब हर संडे का भी लोग को मना कर नहीं दिखा सकता, लेकिन तो हर संडे को लकड़ी भी ना काटो आप। अरे तो और भी तो काम रहे, हर संडे को लकड़ी ना काटो और कैसे दिखा? देख लो वो ना बता रही कि संडे को कई बार फिल्म देखने जाओ, जब संडे घूमने फिरने, जब नू कहेगी घुमा लाओ फिरा लाओ बच्चों को, वो चीज नहीं बोलेगी भाई। वो तो करोगे आप और क्या करोगे। देखा तो वही चीज तो बता रहा हूँ, सुन लिया कर पहले, कापा से डाली। भाई गरीब आदमी हम, देख लो कितने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि ये ऐसे लकड़ियां काट काट के गुजारा चला रहे हैं, गैस कनेक्शन खरीद नहीं सकते हैं। अच्छा तो भैया चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है और हम बहुत गरीब हैं, तो इस तरह मेहनत करते हैं। वो बात अलग है कि सूट बूट में आए हैं हम, लेकिन काम तो करना ही है, है ना जी, काम तो करना ही है जी, इसीलिए कर रहे हैं काम। चाचा रुको मार रहा हूँ मैं, हुक्का पिया हूँ, मेरा ब्रेक टाइम हो गया है, ठीक है। टी ब्रेक मेरा हुक्का ब्रेक, एक कुहाड़ी एक औजार और लेके आना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं उधर। तो जी हमारा हुक्का ब्रेक समाप्त होता है और एक नई कुल्हाड़ी लेकर अब चलते हैं अपने काम पर भाई, रोटी भी खानी है, तो रोटी खानी है तो काम करना पड़ेगा,
इसलिए अब वापस जंगल की ओर और लकड़ियाँ काटते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको मज़ेदार वीडियोस और काम कि किस तरह हम लकड़ियाँ काट कर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। हम बेचते नहीं हैं लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ अपने लिए काट रहे हैं ताकि चूल्हे की रोटी खा सकें। तो नई कुल्हाड़ी एक और लेके आया हूँ चाचा के घर से, प्लॉट से, और यहाँ काटेंगे। यहाँ हमारी माता जी तो लग रही है भी काट ली ला, तो फिर काट दें। और अब इस ये जो पीछे पड़ी हुई नजर आ रही है एक झाड़ी, इसको काटेंगे और वीडियो आपको दिखाते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरा ट्राइपॉड लिया इधर, कहाँ गई? पानी की बोतल लिया और ट्राइपॉड लिया इधर। फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं आपको कैसे कैसे लकड़ियां काटते हैं हम। ठीक है, एक और आ गया भाई लकड़ी काटन। लकड़ी काटन नहीं, लेकिन इस पूरे कार्य में शामिल होने के लिए एक शख्स और आए हैं, वो दिखाते हैं पिताजी हमारे। ये यहाँ से भर भर के ले जाएंगे लकड़ियाँ, कटियोट लकड़ियाँ पर ये दूर। और ये रहा हमारा दाव आ गया है, अब इसमें लगते हैं। अब यार कुल्हाड़ी ले तो आया मैं, दाव कहाँ से लाऊं अब? दाव ना है चाचा, ना दाव ना। अब ये फैमिली पिकनिक हो गई है, आगे ये दो महानुभाव और, ये देख अपने पॉपकॉर्न लेकर आ रहे हैं, चिप्स लेकर आ रहे हैं। क्या करने आई है यहाँ? हम हैं काम करोगे खेत में जंगल में? क्या लेके आई है? पिकनिक पे आए हो? हैं हम चीज लेके आए थे, भूख लग रही थी तो बाबा आ गए, तो हम भी आ गए बाबा के साथ लेके। अच्छा बढ़िया, देखो फैमिली पिकनिक करने आए हैं दोनों के दोनों। ये खंडर है, ये पिकनिक। क्या करने आई है यहाँ तू जंगल में? ये जंगल ही है। अच्छा तो हाय गाइस तो कर दे। हाय गाइस, इधर देख के करना। हाय गाइस, नुको हमारे भी लोग को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना? खुल ले रहा, खोलो ना कुआड़ी, कुलाड़ी लेकर हूँ, खोल लो। मैं खोल अपने आप पागल सा, चिप्स लेके आया अपनी, मैं पैगल नहीं हूँ। ये लकड़ियाँ काटी है हमने, ये पापा ही मार रहा है इसलिए। अच्छा आवाज भी तो आती है। पापा एक बात बताऊँ? पर कैमरे में नहीं बता। बोलो। नहीं वो प्राइवेट है। अच्छा हाँ, इसके बारे में आप इसको कूटोगे फिर? ठीक है। पता है क्या, पता है तो गाइस यहाँ पर पापा लकड़ी काट रहे हैं, मयंक भाई बोल रहा आजा आजा जल्दी आ। बाबा थक गए। क्या बाबा थक गए? थक गए।
चलो गाइस आपको मम्मी के पास लेके चलते हैं। चल मम्मी के पास चलेंगे। होटल खा ले। कौन सी होटल? कांटे मत लगवा लिए तुम। हाँ हाँ पापा आराम से ही जाएंगे भाई। ले पकड़ चल। एडवेंचर वाइड एंगल में तो कर नहीं रखा तूने है। हाँ चल अब चल। क्या वो लग थोड़ी जाएंगे। देखो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। लो बाबा बाबा हाँ, बाबा देख के बैठेगा। हाँ, बाबा देखो अभी किसका पेड़? कौन सा है वो, वो, वो। काटो माजी दिखाओ। माजी अपना हाथ दिखाना जरा। अभी दिखाऊंगी। कल परसों मैंने डांटा माजी को। देख झुलवा रखे हाथ वाथ। रुको किसने डांटा मैंने? वो वाला दिखाओ फिर से। ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ दिखाओ। सारे छिला पड़ा है। हट जा हट जा। तो गाइस 3 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर कटिंग करते हुए और देखो कांटे लगे हुए, इसलिए कांटा निकालना। मैं नहीं निकालूंगा। निकालो निकालो निकालो, खींच ले। इस तरह के हाथों में बहुत से कांटे लगे, बहुत से जगह खून भी आए है ना, मेहनत की। और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने, जैसा मेरी माता जी का कहना है कि लगभग 4-5 हज़ार की लकड़ियाँ हमने काट ली हैं है ना, इतने पैसे बचा लिए हैं। तो बस फाइनली ये 2-4 बच रही है आज की लकड़ियाँ, और इनको उठा के कुछ ये गाड़ी में लेके जाएंगे हम, कुछ पापा स्कूटी पे लेके। अब चलते हैं यहाँ से, आज का रेल बना दिया जंगल में ला के है ना। ये तो पागल है, तो पिकनिक मनाने आई थी है ना। दांत दिखा दिया अपने। स्कूल के जूते पड़े। हाँ स्कूल के जूते पड़े, जा उठा ला। तो भाई आज तो थकावट बहुत होगी, आज बिन थपड़े नींद आएगी। वी लोग शायद आज शाम को डालू या कल सुबह, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोला था ना इसमें सुबह में हमने, तो गुड मॉर्निंग इसलिए बोला था, गुड मॉर्निंग में आए थे। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए, सुबह 11 बजे आए थे हम है ना। हाँ। 10:30 बजे 10:30 बजे 10:30 11 11 बजे आए थे यार, 11 बजे आए थे। और अब 2 बज रहे हैं फाइनल, बस छोटे मोटे में इनके कांटे छाटने, वो कांटे छाट रही हैं उधर, फिर वो कांटे छाट के अपने घर ले चलेंगे। अभी दिखाएंगे आपको 25 लाख की गाड़ी में लकड़ी धर के ले जाएंगी रोटी बनाने के लिए गाइस, ठीक है ना। पांच छह बार पानी की बोतल खत्म कर दी। कहां 5-6 बार झूठी, 2 बार भर के लाए हैं। 25 लाख की गाड़ी में ये लकड़ियां भर ली है भाई, और इससे कहीं ज्यादा 4 गुना ज्यादा पहुंचा दिए हमने स्कूटी के ऊपर घर पे। अरे माइक से तो हाथ हटा। तो भाई अब घर जाने का समय हो गया, अब थक गए हैं बहुत ज्यादा, 2:30 बज चुके हैं। पप्पी के साथ बहुत खेले। हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताएं, और आप भी अपने घर का काम किया करो, अच्छा लगेगा, रोटी टाइम पे मिलेगी। लाओ ये भी दे दो गाइस। पता है हमने हथियार, हमने तो एक पप्पी का नाम भी रख दिया, पानी के मुंह धोने के लिए मंगाया था, हम ऐसे प्यासे मरेंगे गाइस। हमने एक पप्पी का नाम भी रख दिया, शेखर का छोटा। अरे रुक तो जा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। बता क्या बता रही थी आखिर में। शेखर का छोटा भाई प्रोटीन।
मेरे हाथ में कांटा लग गया, घर जाके निकालूंगा, मैं थक गया बहुत ज्यादा। बाय, अपना ध्यान रखो। बाय।